आपके साथ मुस्कान आसमानी, रुक करेंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। आज के इंडिया में भारत की झलक ज्यादा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक दशक की उपलब्धियों का किया जिक्र। सांप्रदायिक कट्टरता के अतिरिक्त कुछ नहीं जानती है बीजेपी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बोले, देश में हिंदू धर्म के नाम पर मतभेद पैदा किया जा रहा। जलवायु क्षेत्र में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में 8 भारतीय और पियाओ शामिल है। टाइम्स मैगजीन की लिस्ट में संस्थापक, परोपकारी और सरकारी अधिकारी शामिल हैं। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में बवाल। संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात। नेता छगन भुजबल ने कहा कि हम मराठा आरक्षण का विरोध नहीं करते। उत्तरकाशी में 6 दिनों से सुरंग में फंसे मजदूर, ड्रिलिंग के बाद रुका रेस्क्यू ऑपरेशन। टनल में अब तक सिर्फ 4 पाइप ही ड्रिल हो पाए हैं। जो दिल्ली के मालिक है उन्हें शायद गड़बड़ी के बारे में पता नहीं है। छठ पूजा पर यमुना प्रदूषण को लेकर वरिष्ठ बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखिका केजरीवाल पर निशाना। यमन में भारतीय नर्स पर लटकी फांसी की तलवार। मां ने हाईकोर्ट से गुजारिश की, हमें उसे बचाने जाने दे। दिल्ली हाईकोर्ट ने 1 हफ्ते के भीतर फैसला लेने को कहा। भारत पे के सह संस्थापक अश्नीर ग्रोवर और पत्नी माधुरी को दिल्ली पुलिस का नोटिस। कथित रूप से 81 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला। चक्रवाती तूफान मिथली का असर, कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना। दिल्ली में हल्का कोहरा देखने को मिला। म्यांमार में सेना और विद्रोहियों के बीच संघर्ष। मिजोरम पहुंचे 5,000 से ज्यादा शरणार्थी। सैन्य संघर्ष की वजह से वहां की जनता प्रभावित हो रही है। एक दिन में गिर गया 3 डिग्री पारा। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी और उत्तर भारत को सताएगी ठंड। यूपी में धीरे धीरे ठंड ने दे दी है दस्तक। इजराइल की कार्रवाई नरसंहारक है। गाजा युद्ध पर कांग्रेस ने जारी किया नया बयान, अब अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा। प्रैक्टिस जर्सी के भगवा रंग पर बिफरी सीएम ममता बनर्जी, कहा भारतीय खिलाड़ियों पर गर्व लेकिन यह स्वीकार नहीं। हमारे लड़के अब भगवा रंग की जर्सी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। मणिकरण में रूसी जोड़े की मिली डेड बॉडीज, मचा हड़कंप। शरीर पर मिले चोट के निशान, जांच में जुटे पुलिस। जम्मू कश्मीर में कुलगाम में लश्करे तैयबा के 5 आतंकवादी ढेर, पुलिस ने बताया खात्मा करने का प्लान। एक घर में छिपे लश्कर के आतंकियों से संपर्क साधा गया। बदायूं में चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी। पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने की जनसभा। आज पूरा देश महंगाई बेरोजगारी से परेशान है। मोहम्मद शमी को सीएम योगी का बड़ा तोहफा। शमी के गांव में बनेगा स्टेडियम। सीडीओ समेत अधिकारियों ने किया निरीक्षण। देवरिया में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जागरूकता कार्यक्रम। नुक्कड़ नाटक से लोगों को किया जागरूक। कन्या भ्रूण हत्या रोकने पर दिया जोर।
कानपुर नगर में छात्र का यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण का मामला, शिक्षिका समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मोबाइल का डेटा खंगालेगी पुलिस। कौशाम्बी में लाठी डंडे से पीट पीट कर हत्या, पुरानी रंजिश में वारदात को दिया अंजाम, पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी। सांसों पर संकट बरकरार, प्रदूषण का स्तर बढ़ने से आंखों में जलन, सांस लेने में हो रही परेशानी, बवाना में 390, पंजाब में 376 AQI दर्ज किया गया। संभल में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सियासत तेज, बयान पर सपा सांसद का रिएक्शन, किसी भी धर्म के बारे में बोलने का स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई अधिकार नहीं। प्रयागराज में प्रयोगात्मक परीक्षाओं का शेड्यूल जारी, यूपी बोर्ड ने जारी किया शेड्यूल, 12वीं के छात्रा प्रयोगात्मक परीक्षाएं 25 जनवरी से। गाजियाबाद में गलाकटी लाश मिलने से मचा हड़कंप, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोंडा में अचानक बिगड़ी 13 प्रसूताओं की तबीयत, नर्स के इंजेक्शन लगाने के बाद बिगड़ी तबीयत, सीएमएस के इलाज के बाद स्थिति हुई सामान्य। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर चल रहा था धंधा, सीएम लगाएंगे उत्पादों की बिक्री पर बैन, कड़े नियम बनाने जा रही होगी सरकार। लखनऊ में सूरपाल गंगवार पहुंचे बख्शी का तालाब, डीएम ने की जन सुनवाई, अधिकारियों को दिए समस्याओं के निस्तारण के निर्देश। हरदोई में अज्ञात चोरों ने मचाया तांडव, चोरों ने तीन घरों को बनाया निशाना, लाखों के जेवर नकदी लेकर चोर फरार। संभल में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार घायल, घायल युवक के हाथ पर लिखा है संजय नाम, मुजफ्फरपुर का बताया जा रहा है घायल युवक। लखनऊ में सपा नेता को किया गया गिरफ्तार, हरदोई के मलावा से 2022 में थे उम्मीदवार, टिल्लू वर्मा कार पर लगाया था फर्जी विधायक का पास। लखनऊ में नगर निगम की बड़ी लापरवाही आई सामने, सफाई निरीक्षक प्रमोद गौतम की बड़ी लापरवाही, सफाई के मामले में जोन 3 के कुछ इलाके फेल। लखनऊ में शादी समारोह में हुई जमकर मारपीट, लोगों ने कहा सुनी के बाद वेटर को बुरी तरह पीटा, घायल को इलाज के लिए पहुंचाया गया अस्पताल। हमीरपुर में रेस्टोरेंट संचालिका पर दर्ज हुआ हर्ष फायरिंग का केस, पिछले दिनों हर्ष फायरिंग का वीडियो हुआ था वायरल, जन्मदिन के मौके पर दीक्षा शर्मा ने की थी हर्ष फायरिंग। बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस की गोली से एक बदमाश हुआ घायल, दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर हुआ फरार। शहर में पिकअप वाहन ने लोगों को कुचला, हादसे में 2 मासूम बच्चों समेत 3 लोगों की मौत, घायल लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। भाजपा के 2 दिग्गज मंत्रियों का बहराइच आगमन, मत्स्य पालन मंत्री के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री का भी आगमन, मंत्रियों के आगमन को लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासन। अलीगढ़ में 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, मारपीट में महिला पुरुष समेत कई घायल। आगरा में जामा मस्जिद मामले में सुनवाई, सीडीओ में भगवान के विग्रह दबे होने का मामला, श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट ने दायर की थी याचिका।
लखनऊ में बिना अनुमति निजी बैंक में निवेश का मामला, एनपीएस के 8 करोड़, डीआईओएस की आईडी का हुआ इस्तेमाल, दर्ज होगी एफआईआर, डीआईओएस कार्यालय से जुड़े कर्मचारी शामिल। प्रयागराज में अति कश्यप हत्याकांड के शूटर्स का जेल ट्रांसफर, प्रतापगढ़ से चित्रकूट जेल किया गया ट्रांसफर, सुरक्षा कारणों से तीनों शूटर्स की बदली गई जेल। निर्माणाधीन मकान का बीम गिरा, नीचे दबकर युवक की मौत, परिवार में कोहराम। पर्सनल लोन लेने वालों की रफ्तार, यूपी में सबसे ज्यादा 70% की ग्रोथ हुई दर्ज। कुंदर के हत्याकांड में शादी समारोह में जमकर पी शराब, फिर एक ने चौकीदार को पकड़ा, दूसरे ने तमंचे से मारी थी गोली। मामा ने भांजे के फावड़े से काट करके हत्या, पत्नी से अवैध संबंध का था शक, आरोपी की तलाश में जुटे पुलिस। आगरा में डिलीवरी के बाद अस्पताल में बच्चा छोड़ गई कुंवारी मां, मामले की जांच करने पहुंची टीम, नहीं मिले डॉक्टर्स। शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, चार धाम यात्रा का होगा समापन, माता लक्ष्मी को बद्रीनाथ गर्भगृह में आने का दिया आमंत्रण। सुरंग के बाहर से छेद करके मजदूरों को निकालने के लिए सर्वे शुरू की गई, मॉक ड्रिल, ऑगर मशीन से ही ड्रिलिंग का काम किया जा रहा। उत्तराखंड में 10 महीने में 1300 सड़क हादसे, कुमाऊं में 373 लोगों ने खोई जिंदगी, पिछले साल 10 महीने में 1366 हादसे हुए थे। रिलायंस ज्वेलर्स डकैती कांड में बिहार से दो बदमाशों को रिमांड पर देहरादून लेकर पहुंची पुलिस, पुलिस कप्तान अजय सिंह की अगुवाई में बिहार के वैशाली पहुंच गई। मृतकों के परिजनों को दी जाएगी 2-2 लाख की आर्थिक सहायता, सीएम धामीने की घोषणा, घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। बीमार होने लगे सुरंग में 6 दिन से फंसे मजदूर, स्वास्थ्य विभाग ने दवाई भेजी, मुरमुरे की रखी गई है बोरी। शीतकालीन पूजा के लिए ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान हुए भगवान केदारनाथ, भक्तों ने लगाए बाबा के जयकारे। लालपुर के पास हाईवे पर आधम का हाथी, देखते ही राहगीरों ने रोके वाहन, बनाने लगे वीडियोस। युवाओं में विदेश की सड़कों पर फर्राटा भरने का जुनून, 3000 से ज्यादा ने बनवाई इंटरनेशनल डीएल। मंत्री गणेश जोशी ने एथलीट अंकित कुमार को किया सम्मानित, राष्ट्रीय खेल में जीता था स्वर्ण पदक। नैनीताल में भीषण सड़क हादसा, बिछ गई लाशें, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। गहरी खाई में गिरा वाहन, 9 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नैनीताल सड़क हादसे में बुझ गए एक ही घर के 2 चिराग, परिजनों का रो रोकर हुआ बुरा हाल।
महिलाओं के लिए जल्द बनेगी नीति, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। मंत्री रेखा आर्य ने बताई खास बातें, अधिकारियों को जल्द प्रस्ताव देने के निर्देश। शीशमबाड़ा में खड़ा 2.5 लाख मैट्रिक टन कूड़े का पहाड़, बायो माइनिंग विधि से होगा निस्तारण। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिक कूड़े का आकलन करेंगे। नौकरी से निकाले जाने के बाद ओपन एआई के सीईओ बोले, हमें गूगल मीट पर ही निकाल दिया। ग्रेग ब्रॉकमैन ने कहा, जिन लोगों ने चिंता जताई हम उनके आभारी हैं। दक्षिणी फिलीपींस में महसूस किए गए 6.7 तीव्रता के भूकंप के तेज झटके, मॉल की गिरी छत। चैट जीपीटी कंपनी ओपनएआई में खलबली, सीईओ सैम ऑल्टमैन की छुट्टी, प्रेसिडेंट ने भी छोड़ा पद। चाइना टाउन, चाइना व्हाइट, चीन की ड्रग ने अमेरिका 70,000 को सुला दिया मौत की नींद। जय शाह पर उंगली नहीं उठा सकते क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा के बयान पर श्रीलंका सरकार ने जताया खेद। उसामा बिन लादेन को मारने में सीआईए की मदद करने वाले डॉक्टर शकील अफरीदी को राहत, कोर्ट ने कहा पत्नी बच्चे देश से बाहर जा सकते हैं। पुतिन के एक और विरोधी की मौत, बेड पर मिली पूर्व जनरल और उनकी पत्नी की लाश। रूसी राष्ट्रपति के अब तक 13 दुश्मन हुए खामोश। इजराइल हमास जंग के बीच ओसामा बिन लादेन के लेटर वायरल होने पर इंटरनेट यूजर्स आए आतंकी के पक्ष में, अमेरिका परेशान। स्पेस एक्स की स्टारशिप रॉकेट दूसरी बार उड़ान भरने को तैयार, दुनिया को मिल सकता है पहला रीयूजेबल रॉकेट। कनाडा में खालिस्तानी समर्थक नहीं आ रहे पास, भारत ने दी कड़ी चेतावनी, याद दिलाया वियना कन्वेंशन। अब आसान नहीं रह जाएगा पर्सनल लोन लेना, आरबीएल बैंक और एसबीआई कार्ड को सबसे ज्यादा नुकसान। रणबीर सिंह के बाद अब देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने मुंबई में 2 पेंटहाउस बेचे, करोड़ों में हुई डील। अब मिल रहा कमाई का मौका, गंधार ऑयल रिफाइनरी का खुल रहा 500 करोड़ का आईपीओ। गंधार ऑयल रिफाइनरी ने आईपीओ में शेयर का प्राइस ब्रांड तय कर दिया। बैंकिंग फाइनेंस शेयर में भारी गिरावट, थम गए घरेलू बाजार की तेजी। वित्तीय शेयर शुरुआत से नुकसान में रहे। मैसूर की प्रसिद्ध देवी मां चामुंडेश्वरी भी बनी लाभार्थी, कर्नाटक सरकार की गृह लक्ष्मी स्कीम का मिलेगा फायदा। त्योहारी सीजन में हवाई जहाज से खूब उड़े लोग, इंडिगो अभी भी नंबर वन कंपनी, विस्तार और एयर एशिया को हुआ नुकसान। देश में चलेंगी 3,000 नई ट्रेनें तो सबको मिलेंगे कंफर्म टिकट। 1,000 करोड़ यात्रियों का बोझ उठाएगा रेलवे, 800 करोड़ यात्री सालाना करते हैं सफर। सामने आए जिंदल और मित्तल सीमेंट कंपनी के लिए आमने सामने भिड़ंत, दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही है ये कंपनी, वडराज सीमेंट है।
आ गई राजधानी दिल्ली की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम डीडीए से घर खरीदने का सुनहरा मौका। शादी ब्याह के सीजन से पहले सस्ती हो गई चांदी, सोने के दाम भी बदले चांदी के लुढ़के दाम। अयोध्या के राम मंदिर में जो भी आएगा वो मुसलमान बनकर निकलेगा, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने दिया विवादित बयान। बहुत पुराना है रिचर्ड कैटरबोलो और टीम इंडिया की हार का नाता, भारतीय टीम बेहद करीब से वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने से चूक गई थी। आज के जमाने में डबल होते सचिन तेंदुलकर के रन और शतक, विराट के 50वें वनडे शतक पर पूर्व दिग्गजों ने दी प्रतिक्रिया। वनडे क्रिकेट में 150 बार हुआ आमना सामना, कंगारुओं का पलड़ा भारी ही रहा। अब तक हुए मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया की टीम के हिस्से 83 जीत आई है। बारह साल बाद 2011 से मिल रहे कई संयोग जो टीम इंडिया को बना देंगे वर्ल्ड चैंपियन, 2011 वर्ल्ड के सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई थी। अकरम और मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब, मोहम्मद शमी अहमदाबाद में इतिहास रचने का मौका। पैट कमिंस ने कहा ऑस्ट्रेलिया के लिए शमी बड़ा खतरा, फाइनल के एक दिन पहले बोले भारत बहुत अच्छी टीम है लेकिन हम भी बेहतर खेल रहे हैं। रोहन बोपन्ना ने एटीपी फाइनल्स में रचा इतिहास, मैथ्यू एबेडन के साथ अंतिम चार में पहुंचे। विश्व कप क्वालिफायर के दूसरे राउंड में भारत ने जीत से की शुरुआत, कुवैत को 1-0 से हराया। जडेजा को दूसरी बार मिला बेस्ट फील्डर का मेडल, न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन कैच लिए सूर्यकुमार यादव ने मेडल पहनाया। आठ साल बाद आर माधवन के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी कंगना रनौत, साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म में आएंगे नजर। टाइगर 3 के सक्सेस इवेंट में सलमान खान ने कटरीना कैफ को पहनाया अपना स्कार्फ, बोले अब इसका गलत मतलब मत निकालना। बेबी पंप लॉन्च करते हुए रूबिका ने दिखाया स्टाइलिश अवतार तो हुई ट्रोल, यूजर्स बोले प्रेगनेंसी में भी फैशन चाहिए। बुर्ज खलीफा पर रिलीज हुआ एनिमल का टीजर, खास पल की रणबीर कपूर ने बनाई वीडियो, बॉबी देओल ने यूं किया रिएक्ट। अमित सिन्हा के आरोपों पर अब अभिजीत सावंत ने तोड़ी चुप्पी, बोले 20 साल बाद बात करने का मतलब नहीं। आयुष्मान खुराना और प्रियंका चोपड़ा के फिल्मों में किया काम, फिर रूठी किस्मत, सड़क किनारे फल बेचने को मजबूर हुआ एक्टर सोलंकी दिवाकर। करण जौहर के शो में पहली बार साथ नजर आएंगे विकी कौशल और कियारा आडवाणी, जबरदस्त मस्ती के साथ खोलेंगे कई राज। डेविड ने मेहमान नवाजी के लिए लिखा थैंक यू, शाहरुख खान को बताया ग्रेट मैन तो सोनम कपूर को कहा शुक्रिया।
कुर्ती पार्टी में रूमर बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया के साथ दिखी जानवी कपूर। शिखर पहाड़िया और बोनी कपूर ने साथ खिंचवाई फोटो। वरुण धवन और शनाया समेत कई सेलेब्स पहुंचे। मुंबई आर्ट फेस्टिवल शुरू हुआ। अर्जुन को हक करते नजर आई करण जौहर। जानवी कपूर काजोल देवगन भी स्पॉट हुए। प्राइम 100 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।